कल सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुखी घड़ी में खड़े हैं। इस दुखी घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे, दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनके बेटे का विवाह हुआ है और मुझे शादी में भी शामिल होने का मौका मिला था लखनऊ। हालांकि आशीर्वाद और सबसे मिल लिया था मैं, लेकिन वसीम अहमद साहब और फिर शादी के कार्यक्रम की वजह से बहुत दिन से आजमगढ़ नहीं आया था, तो इस बहाने, शादी के बहाने सब लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के संघर्ष, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों का हमेशा समर्थन किया है और लगातार आजमगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी काम करती आएगी। आज जब मैंने एक अखबार पलटा तो अखबार में मैंने देखा कि जो समाजवादी सरकार की योजना शुरू हुई थी, हमारे पशुधन खासकर जानवरों के इलाज के लिए, वो अस्पताल आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। एक प्रतिष्ठित अखबार में ये पहली खबर पन्ना पलटते ही मिलती है। कल जब रात को मैं एक हिस्से से आजमगढ़ के रात में निकला तो बताया कि सांस्कृत कार्यक्रम के लिए एक बड़ा अच्छा स्थान बन रहा था, वो अधूरा है, राहुल पेठागिरी, वो अधूरा है। इसी तरह जो सड़कें हैं, जो समाजवादी सरकार में रफ्तार से विकास शुरू हुआ था आजमगढ़ का, वो रोक दिया है। आज मैं जब रानी सराय से निकल रहा था, एक व्यापारी नौजवान साथी मोबाइल ऑन करके मेरे सामने आया और उसने सड़क की तरह इशारा किया। तो ये जानते हैं आप लोग कि क्योंकि सांसद होने की वजह से वो शिकायत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आजमगढ़ की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ का चीनी मिल, सठियाओं चीनी मिल, मुझे याद है नेताजी हम सब लोग मिलकर के आए थे और यहाँ पर लगाया था, बड़ा उद्घाटन हुआ था। आज किसानों का पैसा बकाया है और पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के का क्षेत्र है, लेकिन किसान तो हमारा आपका सबका है। अभी मुख्यमंत्री जी एक जगह कह के गए कि उत्तर प्रदेश में किसान को इतना भुगतान किया है कि कई प्रदेशों का इतना बजट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बताना भूल जाते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा गन्ना का किसी पे बकाया है तो उत्तर प्रदेश का किसानों का गन्ना सरकार पे पैसे बकाया है, और केवल आजमगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी। ये बीजेपी के लोग निकल पड़े हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, किसान को समझाने के ये जो बिल आए हैं किसानों के हित के हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये जितने लोग हम सब खड़े हैं,
ये सब खेती वाले लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो परिवार खेती ना करता हो, हमारे सहित इंक्लूडिंग हमें, हमारे यहाँ भी खेती है। और यहाँ कोई हमें बता दे जिसने धान पैदा किया होगा, बताओ किसी को भी समर्थन मूल्य दे पाई हो सरकार तो हमें बता दो, किसी से आप पूछ लीजिए, बताओ दिल्ली की सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, और ये मिनिस्टर मुख्यमंत्री और सरकार क्या समझाने निकली है हमें, वो बताओ किसान जिन्हें समर्थन मूल्य दिया है, धान का समर्थन मूल्य किसी को दिया हो तो बताओ हमें। हम तो कहते हैं हमारे गांव में नहीं मिला, अरे हमारे गांव में ना दो, हमें मत दो, कम से कम इस गरीब जनता को तो दो जो समर्थन मूल्य तय किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को, उन किसानों ने फैसला ले लिया है कि हम समर्थन मूल्य दिला के रहेंगे। और हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो समर्थन मूल्य चाहती है जिसमें आय दोगुना का आपने भरोसा जनता को दिलाया था, वो आय दोगुना वाला MSP कब भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम है? क्योंकि उनके हर नेता ने यही कहा कि हम दोगुना आय कर देंगे किसानों की, तो कम से कम ये मौका मिला है समर्थन मूल्य दोगुना वाला दे दीजिए। और डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कोई चीज़ बची नहीं जो महंगी ना हो गई हो, नौकरियां छिन गई, कोई हमें बता दे भरोसा हो नौकरी का, रोजगार का भरोसा नहीं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया उसकी तो बात खुल गई। अब 20 लाख करोड़ के पैकेज में बताओ किसानों को कितना पैसा मिला है? और 20 लाख करोड़ के पैकेज की तो पोल इसलिए खुल गई कि RTI में सब बातें बाहर आ गई, जो पैसा मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। और मैं आज कहना चाहता हूँ ये 20 लाख करोड़ अगर किसान पर गरीब पे खर्च कर दो तो हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे देगी। नौकरी और रोजगार का भी सवाल का जवाब हो सकता है कि अगर 20 लाख करोड़ रुपए हमारे किसान और गरीबों में खर्च कर दे। इसलिए कानून व्यवस्था पे असफल हैं, कोई नया किया हो तो बता दो। हमारे मुख्यमंत्री ने एक काम किया, उन्हें इतना अच्छा लगता है नाम बदलना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी को नाम बदलना हो तो हमें दरखास्त दे दो, हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, उसका नाम बदल देंगे। तो नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, याद कीजिए आप लोग, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। बताइए 4 साल हो गए, ये कैसे ठेकेदार लोग हैं? सरकार की योजना हमारी थी, बीजेपी के लोग कैसे लोग हैं जो सड़क नहीं बना पाए अभी तक, और जिस क्वालिटी की